भारताची मॅरेथॉनपटू ओपी जयशानं धक्कादायक आरोप केलाय. रिओ ऑलिम्पिकमध्ये मॅरेथॉनमध्ये धावताना भारतीय मॅरेथॉनपटूंना पाणी मिळालं नाहीये. आपल्याच देशाच्या मॅरेथॉनपटूंना स्पर्धेदरम्यान पाणी द्यायची जबाबदारी ही त्या त्या देशाची असते. संबंधित कोच किंवा पदाधिकारी यांनी मॅरेथॉनपटूंना पाणी द्यायची व्यवस्था करायची असते, पण ही व्यवस्थाच न केल्यामुळं मॅरेथॉनपटू ओपी जयशा तसंच कविता राऊतला 42 किलोमीटरची मॅरेथॉन पाण्याशिवाय पूर्ण करावी लागली. जयशा तर फिनिश लाईन क्रॉस केल्यावर कोसळली आणि बेशुद्ध पडली. 7 ग्लुकोजच्या बाटल्या लावल्यानंतर ती 2 ते 3 तासांनी शुद्धीवर आली. मैराथन में कोई भी मैराथन नहीं, अगर लोकल मैराथन भी रखिएगा 42 किलोमीटर तो खाना पानी सब कुछ रखती हूँ. मीन्स खाना मीन्स बिस्किट और ऑरेंज और बनाना, ये क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि 35 किलोमीटर के बाद में और नहीं तो 32 किलोमीटर के बाद में बॉडी के अंदर हर चीज मीन्स नमक और इलेक्ट्रोल ग्लूकोज सब कुछ बॉडी के अंदर का हर चीज खत्म हो जाता है. बट इधर में ऐसा था कुछ भी नहीं है. बाकी हर कंट्री का पानी था ऐसा वाटर बट हमारा ऐसा है मैराथन में अपना कंट्री अपना पर्सनल पानी खाना सब कुछ रख सकता था. रिकवरी ड्रिंक सब रखा था. बट उधर में केनियंस केनिया का नहीं और वर्ल्ड में कितना भी उधर में कंट्री भागा सबका उसमें स्पेशल फूड था एथलेट के लिए. और इधर में हमारा बॉर्डर बस उधर में खाली था, उसमें कोई है ही नहीं था. पता नहीं लोग क्या सोचा किस वजह से रखा नहीं है.